अब देखिए इन्होंने कहा है कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की इक्वल प्रूफ कीजिए। ऐसे सम्स में हमने काफ़ी बार देखा है कि हम क्या करते हैं, जो हमारी टर्म्स पड़ी होती हैं ना साइन कोस या और किसी भी फंक्शन की, हम उनको टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो हम वही करेंगे, राइट हैंड साइड में ये दो टर्म्स पड़ी हैं, टर्न बाय टर्म हम इनको टेन इनवर्सेस के फंक्शंस में कन्वर्ट कर ओवरऑल एंड में फॉर्मूला लगाकर टेन इनवर्स में कन्वर्ट कर देंगे। हमने पहली टर्म उठाई राइट, अब देखिए कन्वर्ट करने के लिए हम चाहते हैं कि हमारा फंक्शन है जो सिंपलर फंक्शन हो, दैट इज इनवर्स में ना रहे। सो हमने एक्स वेरिएबल की इक्वल पुट किया, हमारे पास साइन एक्स आ गया जो है 5.13, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। हमें चाहिए टेन एक्स, टेन एक्स इज के इक्वल होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के राइट। सो हमारे पास यहाँ पर बेस मिसिंग है, बेस हमने कैसे निकाला, पाइथागोरस थ्योरम से बेस निकाल लिया, यहाँ पर पुट कर दीजिए, हमारे पास आ गया साइन टेन एक्स राइट। अब देखिए टेन को उधर ले गए, हमारे पास आ गया टेन इनवर्स 5/12 इज इक्वल टू एक्स। अब ध्यान दीजिए हमने एक्स तो इसको पुट किया था और हमारे पास एक्स इसके इक्वल आ गया, दैट इज हमारी फर्स्ट वाली टर्म इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स निकला ही हमारे पास राइट। वैसे ही हम सेकेंड टर्म निकालना चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ टेन इनवर्स राइट। अब देखिए सेकंड टर्म हमारे पास थी कोस इनवर्स 3/5, इसको भी हमने टेन इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको पहले एक वेरिएबल की इक्वल पुट करेंगे, सपोज हमने वाई की इक्वल पुट कर दिया। अब देखिए कोस इनवर्स को उधर ले गए, हमारे पास आ गया कोस वाई इज इक्वल टू 3/5, कोस वाई किसके इक्वल होता है बेस पर हाइपोटेन्यूज के, हमारे पास बेस है हाइपोटेन्यूज है, बट हम इन सभी टर्म्स को टेन में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, सो हमें टेन वाई चाहिए। टेन वाई के लिए तो हमें परपेंडिकुलर चाहिए होता है, परपेंडिकुलर हम कहाँ से निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, हमने टेन वाई निकाल लिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, टेन को उस तरफ ले गए, सॉरी यहाँ पर स्टेप मिसिंग है, देखिए टेन को उस तरफ ले गए, हमारे पास आएगा टेन इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू वाई। ओके सिंपल, वाई हमारे पास इसके इक्वल आ गया, बट हमने वाई इसको पुट किया था, दैट इज़ हमारे पास ये वाली टर्म इसके इक्वल आ गई, दैट इज़ सेकेंड वाली टर्म भी हमारे पास टेन इनवर्स के फॉर्म्स में निकल गई। सो हम लेफ्ट हैंड साइड में, सॉरी राइट हैंड साइड में हमारे पास ये पड़ा था, इन दोनों को हमने टेन इनवर्स में निकाल लिया था, हमने वो पुटिंग्स कर दी। ओके अब हम क्या करेंगे, हमें तो केवल एक टेन इनवर्स की टर्म चाहिए, बिकॉज राइट लेफ्ट हैंड साइड में एक टेन इनवर्स की टर्म पड़ी है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगाकर, टेन इनवर्स ए प्लस टेन इनवर्स बी किसके इक्वल होता है, टेन इनवर्स ए प्लस बी अपॉन 1 - ab। ओके हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, एलसीएम ले लिए ऊपर नीचे, कटिंग्स वगैरह कर दी, जो भी कट हो रहा था प्लस माइनस किया, हमारे पास ये आ गया जो कि थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूफ।